दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और यदि आपने लास्ट वीडियो देखा है दूध मंडी का, जयपुर की दूध मंडी, तो ये उसी का व्यू है। हमने दूध मंडी का वीडियो यहीं पे बनाया था। और ये आप देखें, ये अंदर का दूध मंडी का अंदर है ये। और ये सामने आपको दूध मंडी की टंकियाँ दिखाई दे रही हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, आप वीडियो पूरा देखें, आपको मज़ा आएगा और कुछ जानकारी भी मिलेगी और जयपुर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में यहाँ से दूध मंडी से हम सिंधी कैंप तक जाएंगे। तो ये यहाँ का व्यू है जो आप देख पा रहे हैं। और ये सामने रेड लाइट है, सिग्नल है, इससे हम अंदर राइट में घूमने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, आप बने रहें। ये इस दूध मंडी के सिग्नल से घूमते ही राइट में आते ही आगे का व्यू है ये। और ये आपकी स्क्रीन पर SVN इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल है। ये यहाँ पर श्याम धाम एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। और ये यहाँ का व्यू है। ये जिस रोड पे हम आए हैं ये माधो सिंह रोड, और आगे भी हम माधो सिंह रोड पे आगे बढ़ेंगे। और ये यहाँ पर एक सर्किल जो है, इसमें सीधे निकलेंगे तो कलेक्ट्रेट सर्किल है। और यदि हम राइट में जाते हैं चिंतारा कैंटीन, और लेफ्ट में जाते हैं तो हाथी बाबू का रास्ता, हाथी बाबू मार्ग। और ये पूरा सर्किल का व्यू, ये यहाँ पर लेफ्ट में हाथी बाबू मार्ग, ये पूरा सर्किल का व्यू। और ये माधो सिंह रोड इस सर्किल से आगे, और ये इस सर्किल का व्यू है। ऐसा आइए और आगे चलते हैं। ये सर्किल पे सीधा निकलते ही आगे का व्यू, आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर वेदा स्कूल, ये देखिए इसका सामने का व्यू, ये वेदा स्कूल इसी रोड के ऊपर। और ये आगे का व्यू। और ये यहाँ पर अक्षत हाइट्स, बड़ा एक टावर बना हुआ है। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर कलेक्ट्रेट आ गया, गेट नंबर 4 है ये। ये पूरा कलेक्ट्रेट का एरिया है, ये आगे कलेक्ट्रेट सर्किल आ जाएगा। और इधर ये संभागीय आयुक्त का ऑफिस है इधर। और इधर ये शीतल जल मंदिर बना हुआ है प्याऊ, ये पूरा व्यू है। आइए और आगे चलते हैं। तो कोई बात नहीं है, कलेक्ट्रेट का मेन गेट यहाँ पर। और ये पूरा यहाँ का व्यू, ये ऊपर से फुटपाथ के लिए पैदल चलने वालों के लिए बना हुआ ब्रिज, और नीचे कलेक्ट्रेट सर्किल का पूरा व्यू। इसी में यदि आप देखेंगे तो शिव मार्ग, MI रोड, कबीर मार्ग, ये सब रास्ते इससे निकलते हैं। हमें MI रोड के आगे रास्ते से निकलना है, आइए आगे चलते हैं। और ये कलेक्ट्रेट सर्किल के अंदर बना हुआ पार्क, कैंडल थीम पार्क, ये पूरा पार्क का व्यू है जो सर्किल के अंदर बनाया हुआ है। सर्किल काफ़ी बड़ा है, कलेक्ट्रेट सर्किल तो काफ़ी बड़ा सर्किल है। और इसी का ये पूरा व्यू है, आइए और आगे चलते हैं। और ये कलेक्ट्रेट के अंदर से शिव मार्ग अंदर रास्ता घूम रहा है ये। और ये कलेक्ट्रेट के अंदर का पूरा व्यू है। आइए और आगे चलते हैं। और ये सर्किल से MI रोड जो रास्ता निकल रहा है, इसी पे हमें आगे चलना है। और ये इसका यहाँ का व्यू है, ये अंदर पार्क। और ये सामने कलेक्ट्रेट, और ये MI रोड, आइए आगे चलते हैं। ये कलेक्ट्रेट सर्किल से बाहर निकलते ही होटल जयपुर RSHCL,
राज्य होटल निगम द्वारा चलाया जा रहा है, राजस्थान सरकार का होटल है ये, अंदर होटल है और ये यहाँ का पूरा व्यू है। और ये सामने कलेक्ट्रेट का गेट नंबर 2 है और ये MI रोड। आइए आगे चलते। और ये एंट्री है होटल का, रॉयल ऑर्चिड सेंट्रल होटल का, ये होटल है यहाँ पर इसी MI रोड के ऊपर। और ये सामने जिला एंसेशन न्यायालय गेट नंबर 1 है यहाँ पर। और ये पूरा व्यू है यहाँ का। और ये इसी रोड पे MI रोड पे यदि लेफ्ट में निकलते हैं तो सेंट्रल बस स्टैंड सिंधी गेट और चांदपोल का रास्ता सीधा MI रोड और अजमेरी गेट, और यदि राइट में जाते हैं तो रेलवे स्टेशन और हसनपुरा का रास्ता है। ये पूरा चलता हुआ रोड। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर श्री राम हनुमान दरबार, भव्य एक मंदिर आप देखिए, ये इसी रोड के ऊपर, ये सामने मेन रोड है। ये मंदिर का गेट और ये MI रोड सामने, और सामने ये क्राउन प्लाजा होटल, और ये इधर का व्यू। आइए और आगे चलते। और ये इसी रोड पे राज्य बीमा एवं प्राद्योगिकी निधि विभाग, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट। और ये सामने पूरा व्यू। और ये लेफ्ट साइड में पद्म श्री नारायण सिंह भाटी पथ अंदर जा रहा है। और ये MI रोड का व्यू। और ये राजस्थान गवर्नमेंट का होटल टीच, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा होटल, होटल टीच। ये पूरा व्यू इसका। ये भी MI रोड के ऊपर। आगे होटल निर्वाणा पैलेस भी है जो आपको इसी के साथ दिखाई दे रहा है। ये सामने इधर होटल माया इंटरनेशनल है, होटल टीज के बिल्कुल सामने ही है होटल माया इंटरनेशनल। ये ऐसा कुछ व्यू है इसका यहाँ पे। और ये सामने का MI रोड का व्यू। आइए आगे चलते हैं। और ये MI रोड का आसाकोटी ब्रिज के नीचे का व्यू। और ये सामने जयपुर मेट्रो। और जयपुर मेट्रो के साथ साथ में ये आसाकोटी ब्रिज और तो यही है कि नहीं, रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप को मिलाता है। आसाकोटी ब्रिज जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को मिलाता है। और ये इधर जो रोड गई है ये बस स्टैंड की तरफ, सिंधी कैंप जिसे बोलते हैं, और इस तरफ जो ब्रिज जा रहा है ये रेलवे स्टेशन तरफ है, और नीचे ये MI रोड है। आइए हम इधर और चलते आगे। और ये लेफ्ट में निकलते ही होटल जयपुर सेंट्रल, और ये यहाँ का पूरा व्यू है। और ये ऊपर आसाकोटी ब्रिज। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर कांजी रेस्टोरेंट और स्वीट्स, काफ़ी फेमस दुकान जयपुर का। और ये सामने का व्यू, जैसे ये आसाकोटी ब्रिज एंड होता है वहीं पे ये व्यू आप देख पा रहे हैं। सामने पोलो फैक्ट्री, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये पोलो फैक्ट्री का है, और ऊपर जयपुर मेट्रो का ब्रिज बना हुआ है। और इसी में सामने रावत मिष्ठान भंडार, रावत की कचौरी आपने सुनी होगी, रावत की प्याज की कचौरी बहुत ही फेमस है, ये रावत की दुकान है। और ये पूरा यहाँ का व्यू है।
आइए और आगे चलते हैं। और ये आप देखें, जैसे ये ट्रेवल्स का ऑफिस जयपुर बीकानेर, और ये बहुत सारे नाम यहाँ पर लिख रखे हैं। तकरीबन हर जगह यहाँ जयपुर इस जगह से प्राइवेट बसें चलती हैं। आप आगे भी देखेंगे तो जैसे ये बस खड़ी है और यहाँ भी ये कुछ बोर्ड लगे हुए हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर ट्रेवल्स के मिल जाते हैं, जो तो शाम को नाइट में जो बसें चलती हैं और दिन में भी चलती हैं। जैसे ये बस खड़ी है, ये आई है या जा रही है, इस तरह से ये यहाँ पर आपको सिंधी कैंप पोलो विक्ट्री पे ये प्राइवेट बसों के भी आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। और ये यहाँ का पूरा व्यू है, आप देख लीजिए। आइए और आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जैसे ये ट्रेवल्स वाले यहाँ पर हैं, आप देखें सामने स्क्रीन पे आपके, अहमदाबाद, पालनपुर, मेहसाना, आबू रोड, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, नाथद्वारा, और इधर गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, कानपुर, जम्मू, पठानकोट, जलंधर, तकरीबन सब जगह। आगे दिल्ली, हरिद्वार, ये आपको ऑप्शन यहाँ से बहुत सारे ट्रेवल्स के ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, जो आप जा सकते हैं। ये पूरा यहीं सिंधी कैंप पोलो विक्ट्री के पास में ही ये है, इसी रोड के ऊपर, ये मेट्रो के नीचे ही। आइए आगे चलते हैं। और ये सामने सिंधी कैंप मेट्रो है, सिंधी कैंप मेट्रो पीला कलर किया हुआ, और इसी के सामने बस स्टैंड, सिंधी कैंप बस स्टैंड। और ये इसका मेन एंट्रेंस के अंदर ये बस स्टैंड सिंधी कैंप जयपुर। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। अगले वीडियो तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।